देश से अडानी भागने वाला है। देश की हिफाजत सुरक्षा के लिए इस समय अडानी को हिरासत में लेकर के जेल में डालना बहुत जरूरी है। रंगा बिल्ला का तो चेहरा का फीका पड़ गया, आप रंग उठाकर देखिए। ऐसे का ही बोलबाला है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार धोखाधड़ी 420 का मुकदमा दर्ज करके अडानी को जेल में डालती। जब तो अडानी का पासपोर्ट इमीडिएटली धारा, मैं कहता हूँ उस पर भ्रष्टाचार धोखाधड़ी 420 के मुकदमे दर्ज होकर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए, जेल में। नहीं तो ये भी चौकसी के तरह, वो चौकसी भाई की तरह भाग जाएगा। हमारे देश के सरकारी बैंक LIC से लोन लिया है, ये भ्रष्टाचार है, धोखा है, फ्रॉड है। हम तो ये कह रहे हैं इसके IPO जो लग रहा है उस पर रोक लगा दी जाए और गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ना देश कंगाल होने वाला है। गौतम अडानी की उन्नति देश की उन्नति नहीं हो सकती है। कैसी बात कर रहे हैं? पहले सुनिए, किसी व्यक्ति की उन्नति देश की उन्नति नहीं हो सकती है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, इसको राष्ट्रवाद का, इसको आप विकास का, आप धोखाधड़ी के मामले को राष्ट्र के विकास के नाम पर राष्ट्रवाद का नारा लगा करके दबाने का षड्यंत्र मत करो। और आपसे भी कह रहा हूं, मैं पत्रकारों से भी, अरे भाई आप क्यों तोता बोली बोल रहे हैं? ये राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? धोखाधड़ी का मामला, मैं एक मिनट, मैं जेल में रहा हूं अनिल अंबानी के खिलाफ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुकदमे चल रहे हैं, मैं जमानत पर बाहर आया हूं। अगर इस देश में किसानों को जिताना और अनिल अंबानी को हराना दोष होगा तो मुझे सजा होनी है। इसी तरीके से मैं, अगर धोखाधड़ी का मामला अडानी पर दर्ज होता है, 420 का मामला दर्ज होता है, क्योंकि 15 रुपए के शेयर को 100 रुपए का बता करके हमारे सरकारी संस्थानों से, और दूसरा बड़ा घोटाला किसका था? ये पैसा जनता का, ताली बजा करके बैंक में डलवाने वाला और बैंक और LIC को लुटवा करके अडानी की झोला भरवाने वाला। मुझे तो लगता है कि ये पहले अपना झोला उठाने से पहले अडानी को भेज करके भारत को पाकिस्तान से भी बदतर दशा में पहुंचाने का षड्यंत्र। पासपोर्ट जब्त हो अडानी का? पासपोर्ट इमीडिएटली धारा, मैं कहता हूं उस पर भ्रष्टाचार धोखाधड़ी 420 के मुकदमे दर्ज होकर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए, जेल में। नहीं तो ये भी चौकसी के तरह, वो चौकसी भाई की तरह भाग जाएगा, माल्या की तरह भाग जाएगा। चैलेंज करूंगा हिंडनबर्ग जो है एजेंसी, उसको चैलेंज करूंगा। क्या चैलेंज करेगा? हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, आज तक का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक भी गलत रिपोर्ट नहीं छापी। 88 सवाल किए गए हैं, उनमें से 62 सवालों का जवाब अडानी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो कौन होता चैलेंज करने वाला? हमारे देश का प्रधानमंत्री उठ खड़ा हो और कहे, पूरी दुनिया मैनिपुलेट करती है मार्केट को, अगर इंडिया कर रही तो क्या दिक्कत है? कौन सा, एक मिनट, कौन सा दुनिया करती है ना? अभी मामला मैनिपुलेट का नहीं है, मामला है कि इस व्यक्ति ने 15 रुपए के शेयर को 100 रुपए का दिखाकर, उसका वैल्यू बढ़ाकर दिखाकर हमारे देश के सरकारी बैंक LIC से लोन लिया है। ये भ्रष्टाचार है, धोखा है, फ्रॉड है, आप समझिए। हर्षद मेहता करता था, उसे हीरो बताया जा रहा है। देखिए एक बात फिर दोबारा से, हर्षद मेहता का आप इतिहास हो गया है, हम करंट की बात कर रहे हैं। करंट में फिर मैं कहना चाहता हूं कि नाथन ने ऐसा नाथ दिया है कि सेठ जी के गुब्बारे की हवा निकल गई और रंगा बिल्ला का तो चेहरा का फीका पड़ गया, आप रंग उठाकर देखिए। अब हो क्या रहा है, वो IPO लाने के लिए RSS से जुड़े लोग देश के अलग, दुनिया के अलग अलग देशों में महंगे दाम पर इसके IPO खरीदेंगे, इसके लिए पैसा ट्रांसफर कर दिया गया उनके पास। हम तो ये कह रहे हैं इसके IPO जो लग रहा है उस पर रोक लगा दी जाए और गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ना देश कंगाल होने वाला है। रावत जी, आपको गर्व नहीं होता था जब भारत का एक उद्योगपति दुनिया में दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना, बच्चों को पढ़ाया जाता था भाई कहां का दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति भारत का, ये साजी सची गई है अडानी कह रहे हैं। एक बात सुनिए भैया, हेलो, जब हम कहते हैं हमारे देश के किसानों को MSP की गारंटी दी जाए तो मोदी सरकार कहती है पैसा नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे देश के बच्चों को समान शिक्षा मिले, वो कहते हैं संसाधन नहीं है। हम कहते हैं कि जैसे नगर महानगरों में स्वास्थ्य सुविधाएं, ऐसे देश के गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, वो कहते हैं पैसा नहीं है। हमारे देश में कहते हैं कि
एक पेंशन एक रैंक का मामला, वो कहते हमारा पैसा नहीं है। हम कहते हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी है, करोड़ों वैकेंसियां खाली पड़ी है, नियुक्तियां दो, बेरोजगार घूम रहे हैं। वो कहते हैं वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। 4.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के सांसद ने संसद के अंदर सवाल उठाया, 4.5 लाख करोड़ रुपए कहते बट्टा खाता में डालने का काम। ये पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है जो बट्टे खाते में डाल दिए। 4.5 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होती है। आप जो बात कर रहे हैं सारा पैसा अदानी अंबानी के लिए है। देश के अगर हम बात करें मेहनत कश तबके के लिए, आपको बता दूं हमारे देश में सेना को देने के लिए वेतन नहीं है, इसलिए 4 साल में अग्निवीर बनाए जा रहे हैं। और अग्निवीर का मतलब समझते हैं, अगर किसी विदेश ने, जैसे आपको समझ लीजिएगा पैसे का ही बोलबाला है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जिसने देश का भूगोल बदल दिया, जो देश का इतिहास बदल रहा है, देश में नाम बदल रहा है, अब तो ये भी हो गया। वो कह रहे हैं कि मुगल गार्डन उसको भी अमृत गार्डन कहने लगे, उद्यान कहने लगे। तो इसका मतलब हुआ कि मुगल काल को अमृत काल मानती है आरएसएस, ये बात प्रमाणिक हो चुकी है। लेकिन हम इनका अमृत काल नहीं मानते, आपको समझना पड़ेगा। आरोप नहीं लगा रहे हैं हम, प्रमाणिक तौर पर ये कह रहे हैं एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है अदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और अदानी को जेल में डालें, जांच होगी, अगर वो निर्दोष होगा तो बाइज्जत बरी हो जाएगा और दोषी होगा तो देश से मेहुल चौकसी की तरह, माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह भाग नहीं पाएगा। देश की हिफाजत सुरक्षा के लिए इस समय अदानी को हिरासत में लेकर के जेल में डालना बहुत जरूरी है। आरोप का मामला नहीं है, आरोप का मामला नहीं है। हमारे देश को ऐसी दशा में पहुंचा दिया, आपको मालूम है 12 लाख से ज्यादा करोड़पति देश छोड़ के जा चुके हैं, देश ऐसी दशा में पहुंचा दिया इन गद्दारों ने। मैं गद्दार से कह रहा हूं, देश का भूगोल बदल दिया। कंपनी सुनो, कंपनी सरकार का जो पहले कंपनी सरकार के मुखबिर थे, आज वो कंपनियों के मुनीमगिरी कर रहे हैं, देश की सारी संपत्तियां कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। कहां से पैसा मिलता है आपको विरोध करने का सरकार? किस बात का विरोध करने का पैसा? अरे एजेंसियां लगी है ना मोदी के पास, उसको बोलो जांच कराए। हम विरोध कर, सुनो भैया सुनो, हमारे देश में संविधान है। अरे सुनो भैया, रुको रुको, हमारे देश में संविधान है और जब तक संविधान है ना कह, सुनो, इस देश के अंदर बुराइयों का, देश की गद्दारी का पोल खोल करने का हमारे जिम्मेवारी है। मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात हो रही है आप संविधान? अरे भाई आप बात सुनेंगे, आप किसी धार्मिक ग्रंथ को संविधान के ऊपर मत रखिए। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, ना इंसान है, ना कोई धार्मिक पुस्तक है। ग्रंथ बनाने की बात क्यों हो रही है देश में? देखिए सुनिए, कौन कौन क्या बात कर रहा है ये मसला नहीं है। जैसे आपने सवाल किया कि मैं विरोध कर रहा हूँ, हाँ मैं विरोध कर रहा था, करता और करता रहूंगा। देखिए कर रहे चमत्कारी बाबा, एक बात सुनिए, भाई सुनो, एक मिनट सुनो, जादू जिन्होंने नहीं देखा होगा वो धीरेन्द्र को चमत्कारी मानते होंगे। चमत्कारी तो वो भी था जिसने हमारे देश में प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको पता दूं सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने लिख कर दिया शपथ पत्र, और जिसको इसने साबरमती का संत बताया वो आसाराम बलात्कार के मामले में जेल में है। आप कह रहे हैं अरे एक ही उल्लू काफी था गुलिस्तान बर्बाद करने को, यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठे हैं। सुनिए, अरे तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राज। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर कोई जादू टोना दिखाता है, मैंने भी सड़क में देखा, एक जादूगर ने भी 2 रुपए रखे, 2 नोट रखे कागज के, और उसमें से हजारों नोट निकालता रहा और नोट ही खत्म नहीं हुए। तो अगर वो धीरेन्द्र की तरह, उसने कहा ये जादू दिखाने का है, ये नोट खाने के नहीं है। कुछ लोग उसके झांसे में आए होंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप देश के बर्बादी, देश की अर्थव्यवस्था की चौपट करना, देश का भूगोल बिगाड़ने वाला, देश के इतिहास को खराब करने वाला, देश के संविधान से छेड़छाड़ करने वाले को, और उस इतने महत्वपूर्ण मामले को, सुनो, इतने महत्वपूर्ण मामले को एक बहरुपिया ढोंगी की तरह मत बोलिए, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। एक बार दरबार में जाइए, इलू इलू भी बता देते। अरे कौन सा, सुनिए एक मिनट, अरे भाई आप बात तो सुनो, हम आपको बताना चाहते हैं, जो आदमी सुनिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो अच्छा एक बात बताइए, पूरा देश कंगाल हो गया, हमारे देश के एक 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 भी संस्थान ऐसा नहीं है जो घाटे में न गए, एक व्यक्ति, एक व्यापार, एक उद्योग ऐसा नहीं जो घाटे में न गया हो। अब दूसरी बात आती है,
मैं तो ये मानता हूँ कि नाथन ने ऐसा नाथ दिया है कि लाला जी का तो वो जो गुब्बारा था बना हुआ, उस रिपोर्ट में है, साफ साफ लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि 85% बढ़ा करके बताया गया अपने शेयर की कीमत, मानी 15 रुपये के शेयर को 100 रुपये का बताया गया और उसको 100 रुपये का बता करके LIC और सरकारी बैंक और SBI से लोन लिया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि उस गुब्बारे की हवा निकाली नाथन ने। अब सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, अब क्या कहा जा रहा है, ये भारत के विकास और गलत रिपोर्ट छापी, मैं बता रहा हूँ केस होगा, मैं एक मिनट, अब कहा जा रहा है कि ये देश के विकास और देश के उम्मीदों पर हमला है। मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से यहाँ से चौकसी और तमाम मोदी और कई लोग भागे हैं, इस तरीके से हमारे देश से अडानी भागने वाला है। ईमानदारी की बात तो ये होनी चाहिए थी कि मोदी सरकार धोखाधड़ी 420 का मुकदमा दर्ज करके अडानी को जेल में डालती। अगर अडानी निर्दोष होता तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, लेकिन निर्दोष नहीं है, ये देश और दुनिया में एक्सपोज हो चुका है मामला। अब इस बात जोड़ी जा रही है पहले से। अरे भाई मैं भी तो कर रहा हूँ।